हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं दूंगा या फिर कोई टिप्स ट्रिक्स कुछ नहीं। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट अपना एक लाइफ की जर्नी शेयर करूंगा, ठीक है। मैं किस फेज से गुजर के आया हूं, ठीक है। तो देखो, जितने भी सक्सेस होते हैं ना, उसका एक स्टोरी होता है। हर सक्सेस का एक स्टोरी होता है, चाहे वो इमोशनल स्टोरी हो, चाहे वो इन्जॉयमेंट वाला स्टोरी हो, लेकिन एक स्टोरी होता है। मेरी भी अपनी एक स्टोरी थी, ठीक है। जैसे हर घर में होता है ना कि माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा कुछ बड़ा करे और उसका नाम रोशन करे, ठीक है। मैं तीन भाई था, बहन नहीं थी एक भी। तो मेरे पापा का भी एक सपना था कि मेरा बेटा, तीन बेटा है ना, एक IAS बने, एक IPS बने, एक कलेक्टर बने। सपना बहुत बड़ा था, ठीक है। हमेशा से तीनों बेटे को साथ में बैठा के यही सिखाते थे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये करना है, ठीक है। और इन चीज़ों को सुन के ना एक आदत सी हो गई थी कि हाँ, मुझे ये बनना है। क्लासेस में कभी भी इंट्रो देने का मौका मिलता था ना कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट यू वांट टू बिकम, तो आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। उस टाइम तो हमको ये भी नहीं पता था कि IAS नहीं होता है, IAS होता है, ठीक है। बट हाँ, आई वांट टू बिकम अ IAS ऑफिसर, इतना पता था। और क्योंकि यही सिखाया ही गया है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। मेरी मम्मी ने कभी नहीं बताया कि, मतलब मेरी मम्मी ने कभी नहीं साझा किया कि उनका क्या मन है कि बेटा क्या करे, कभी नहीं, ठीक है। वो बस अपने कामों में मगन रहती थी, ठीक है। हाँ, पापा बहुत बार बोलते थे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम इसके लिए बहुत बार बोले, ठीक है। आदत सी हो गई थी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। पढ़ते थे क्लास में उतना इफेक्टिव नहीं था, ना उतना ब्रिलियंट थे, ना ही उतना ज़्यादा टॉपर टाइप का, कुछ भी नहीं। जो जर्नी शुरू हुआ था ना, क्लास टेंथ का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, क्लास टेंथ का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एक लास्ट क्लास लगा था जिसको फेयरवेल बोलते हैं, ठीक है। उस फेयरवेल वाले क्लास में क्या था कि सारे टीचर्स आए थे, सब स्टूडेंट्स टीचर से डिस्कस कर रहा था कि सर आगे क्या करे, कौन से कोचिंग में जाए, क्या लेना सही रहेगा, ठीक है। इन सारे चीज़ों पर डिस्कस कर रहा था। मैं भी थोड़ा मोड़ा आपस में डिस्कस किया कि सर कैसे किया जाए, क्या होगा आगे। तो बाद में पता चला था कि सब कुछ बच्चों के, कुछ फ्रेंड्स के ना ग्रुप थे हम लोग का, मतलब कुछ कुछ फ्रेंड्स थे उसमें, जैसे कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। उसी में ना मैं उसी टाइम डिसाइड कर लेता कि मुझे क्या करना है। वो तो कुछ डिसाइडेड नहीं था कि क्या करना है, ये नहीं डिसाइड था, लेकिन मैं बायोलॉजी लेने का सोच लिया था, ठीक है, कि हाँ बायोलॉजी लेंगे। और बायोलॉजी लेना मतलब डॉक्टर बनना, ठीक है। बायोलॉजी ले ली और पापा घर पे गए कि बोले कि हाँ मुझे 11th में बायोलॉजी लेना और पढ़ना है। मेरे भैया पहले से पटना में रहते थे, ठीक है, वहाँ पे अपना इंजीनियरिंग का तैयारी करते थे, मतलब IIT का, ठीक है, वो तैयारी करते थे, वो पहले से वहाँ रहते थे। तो मुझे वहाँ पे भेजा गया कि तुम्हें नीट का तैयारी करना है। मेरा एडमिशन हुआ था मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया था। पटना गया, पहली बार अकेले कहीं बाहर निकला था, ठीक है, पहली बार अकेले कहीं बाहर निकला था, वो भी पटना, पास का ही शहर था, बट अकेले गए थे हम पहली बार। पहुंचते ही वहाँ पे, अगले दिन वहाँ पे क्लास टेस्ट था, ठीक, क्लास टेस्ट नहीं, वो एडमिशन टेस्ट था, ठीक है। एडमिशन टेस्ट हुआ, मुझे ये बताया गया था कि उस एडमिशन टेस्ट में अगर 50% मार्क्स ला लो तो लॉजिंग और फूडिंग फ्री हो जाएगा, ठीक है, ये एक प्रकार का स्कॉलरशिप है। और मैं ठहरा 10th का सबसे बकलूल, कुछ उतना ज्ञान नहीं था, ठीक है। अपना हिम्मत लगा, एक दिन रात भर तैयारी किया और अगले दिन टेस्ट में टेस्ट दिया, और एक टेस्ट का जो रिजल्ट आया उसमें मेरा मार्क्स था 17%। कोई फायदा नहीं, कुछ भी छूट नहीं हुआ, कुछ डाउन पेमेंट करके वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया, ठीक है, कुछ डाउन पेमेंट करके वहाँ पे एडमिशन ले लिया। अब हो गई एडमिशन, आ गए रूम, अब थोड़ा मोड़ा इधर उधर का जानकारी लेना था कि बाकी के दोस्त लोग कहाँ गए हैं, ठीक है।
हाँ तो बड़े और भी बहुत सारे दोस्त लोग वो चले गए थे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है। मैं अकेले पटना में उस कोचिंग में शायद अपने स्कूल से मैं अकेले था, ठीक है, अकेले उस कोचिंग में स्कूल से था। बट कभी थोड़ा थोड़ा ये भी लगता था कि सर मेरा दोस्त लोग तो बहुत दूर चले गए, ठीक है, उसका प्रिपरेशन अच्छे से होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पर रुक गया था, पढ़ाई जारी हुआ, क्लासेस शुरू हुए, ठीक है, सब कुछ हुआ। पहली क्लास में एक अच्छा सा दोस्त बन गया था जो आज तक मेरे साथ है, बहुत अच्छा सा दोस्त बना था, ठीक है। पहली क्लास में जो मेरा दोस्त बना था उसका नाम संस्कार था, ठीक है, अभी भी वो साथ है, ठीक है, अच्छा दोस्ती है उसका। पहली क्लास में उससे दोस्ती हुआ था, फर्स्ट बेंच पे बैठे थे और पता चला था ना कि वो ICSE बोर्ड का स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा ये भी लगता था ना कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला है। और मैंने उससे दोस्ती कर लिया, ठीक है, कि आगे ये काम देगा, ठीक है, चलो अच्छी दोस्ती हो गई। क्लासेस होते गए, मज़े भी आते थे क्लासेस में, सब कुछ होता था, ठीक है, और दोस्त ऐसा था वो हेल्प भी बहुत करता था। जो मेरा पहली टेस्ट हुआ था ना वहाँ पे, क्लासेस टेस्ट होते थे, ठीक है, 720 नंबर वाला, तो उसमें मैं संस्कार के पीछे ही बैठा था, ठीक है, और मैं ना पूरा छाप लिया था उसमें से, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती थी, ठीक है, और स्टार्टिंग का जो पार्ट था ना, मोल कंसेप्ट वगैरह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं, पता नहीं समझ में क्या इधर से उधर क्रॉस कर जाता था, क्योंकि उतना मेरे पास पोटेंशियल नहीं था इन चीज़ों को गेन करने का। खुद से बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे अच्छे खासा, ठीक है, फिजिक्स का भी एक दो लगा लिए थे, मतलब कुछ हो गया था, केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आता था। तो केमिस्ट्री का ना मैं पूरा क्वेश्चंस का आंसर उससे छाप लिया, ये भी नहीं देख रहा था कि आंसर को किस क्वेश्चन का हम आंसर छाप रहे, डायरेक्ट OMR शीट छाप लिए थे, ठीक है, और खींच तीर के उस टेस्ट में मेरा मार्क्स था 380, 720 में 380, थोड़ा सा खुशी महसूस हो रहा था कि ठीक ठाक मार्क्स है। लेकिन बाद में एक रिग्रेट फील हुआ कि नहीं, ये तो मैं चोरी ही करके ही लाया हूँ, ठीक है, मतलब छाप के ही लाया हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इससे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते गए, स्टडी होते गया और हेल्प लेते गए उससे। नेक्स्ट टेस्ट हुआ, फिर नेक्स्ट टेस्ट हुआ, बहुत सारे टेस्ट हुआ, लेकिन आज तक कभी ना मेरा टेस्ट में कभी भी 480 या 500 कभी क्रॉस नहीं किया, कभी भी नहीं, आज तक कभी कोई टेस्ट में नहीं, मतलब जब तक मैंने टेस्ट दिया ना कोई टेस्ट में 450 नॉर्मली 425 इसी के आसपास मेरा मार्क्स रहते थे। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी फील होता था कि कैसे करे, कैसे होगा ये सारा चीज़ें, हैंडल कैसे होगा, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत चीज़ होता था, रूम पे भी आके काम करना पड़ता था, ठीक है, पढ़ना भी पड़ता था, काम भी था, लेकिन ज़्यादा हमारे पास, मतलब मेरा ये था ना कि घर पे जो मैं रूम लिया था ना वहाँ पटना में, एक रूम रेंट लिया था, घर जैसा ही वो था, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। तो वहाँ पे हम मेरे एक और भैया रहते थे और हम तीनों साथ में रहते थे और वहाँ पे खाना खुद से बनाते थे, ठीक है, कभी हम सब्जी बना देते थे तो कभी बर्तन धो देते, बस यही होता था, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा उधर लैप्स नहीं होता था क्योंकि तीन आदमी थे तो ये चलता था, ऐसे ही स्टोरी चलते गया, ठीक है। भैया जो मेरे थे वो 100 रुपया देते थे, बोलते थे कि इसको एक सप्ताह में ख़त्म करना है, कुछ कुछ खाते रहना, ठीक है, भूख लगे तो खा लेना। लेकिन मैं जो था, हमेशा से मेरा आदत था कि सेविंग करना, ठीक है, तो मैं उसे भी बचा लेता था, आदत था सेविंग करने का, ठीक है भाई। तो क्लासेस चलते गए, टाइम बीतता गया और एक इंस्पिरेशनल मोमेंट आया हमारे लिए, वो था नीट 2017 का रिजल्ट। उसी टाइम नीट 2017 का रिजल्ट आया था कुछ ही दिन में, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल मोमेंट था मेरे लिए वो, ठीक है। मतलब जितने भी सिलेक्शन वाले स्टूडेंट थे ना, जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ था, सबको माला पहनाया जा रहा था, ठीक है, ढोल ताशा पूरा बज रहा था, सब डांस कर रहे थे, ठीक है। मन मेरा भी कर रहा था कि काश मेरा भी ऐसा दिन कभी आएगा, हम भी कभी डांस करेंगे यहाँ पर, मतलब हमें भी इस प्रकार से प्रोत्साहन किया जाएगा। सबको वाइट कोट दिए जा रहे थे, स्टेथोस्कोप दिए जा रहे थे, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल मोमेंट जो होता है ना मेरे लिए वो था। स्टार्टिंग में ही आए थे और स्टार्टिंग में वो मोमेंट हुआ था, आँख में एक सपना सा लग रहा था कि कभी हम भी ऐसा करेंगे, ठीक है, मेरा भी एक दिन आएगा।
चलो वो भी मोमेंट गया, ठीक है। थोड़ा उस टाइम से हम सीरियस होके पढ़ने लगे कि ऐसे हम अगर टेस्ट में चोरी करके नंबर लाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और हम पढ़ने लगे, खूब ज़्यादा पढ़ रहे थे, ठीक है। एक दो तीन दिन तक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था तो खूब ज़्यादा पढ़ते थे, खूब ज़्यादा। मेरा ये था ना कि क्लासेस ख़त्म होते थे 8 बजे, सुबह में क्लासेस होते थे 8 बजे, सुबह में क्लास ख़त्म हुआ और 8 बजे क्लास हुआ और 2 बजे के आसपास में ख़त्म होता था, ठीक है। फिर घर पे लौट के खाना वाना खा के और फिर से मैं ना सेल्फ स्टडी के लिए उसी इंस्टीट्यूट में सबसे टॉप फ्लोर पे चले जाते थे, ठीक है। सबसे टॉप फ्लोर पता है, एक बहुत बड़ा हॉल था, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था, एक कोना पकड़ के हम वहाँ पे बैठ के आराम से अपना पढ़ते रहते थे, ठीक है। थोड़ा सा खिड़की से हवा आता था तो वहाँ पे हम अपना सेल्फ स्टडी करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है। मतलब खुद को ये था ना कि चेंज करना है, कैसे भी चेंज करना है, कि मुझे पढ़ना है, मुझे नीड निकालना है, मुझे इन लोगों की तरह बनना है, ठीक है। पढ़ाई होते क्या, बीच में 10th का रिजल्ट आया, ठीक है। हम लोग का 10th का रिजल्ट आया, वो भी मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था। क्यों? क्योंकि मेरे भैया का मार्क्स था 10 CGPA और मेरा मार्क्स जो आया था वो 8.6 GPA था, ठीक है। मैं ना रात में बैठ के आराम से अपना रिजल्ट तो मैं पहले ही देख चुका था, ठीक है, कि मेरा इतना आया है। भैया को रोल नंबर पता था कि इतना इसका रोल नंबर है, उन्होंने भी अपना रिजल्ट निकाल के लाया था और वो रिजल्ट हमको दिखाया कि तुम्हारा मार्क्स 8.6 GPA है। मुझे पहले से पता था कि मेरा 8.6 GPA आया है क्योंकि मैंने पहले से देख चुका था। तो रात में एकदम आँख लाल था, क्यों, बैठ के रो रहे थे, ठीक है। सोए हुए तो रो रहे थे कि क्या हम क्या करेंगे लाइफ में, मतलब जब कुछ पोटेंशियल ही नहीं है मेरे अंदर कुछ करने का, ठीक है। और रो भी रहे थे और कुछ ये भी बना रहे थे कि नहीं कुछ करना है, प्रूफ करना है, इतने सारे, मतलब भैया खुद इतना अच्छा मार्क्स लाया था, हम इतना गंदा मार्क्स लाए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ था कि मुझे प्रूफ करना है कैसे भी कि मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो रो भी रहे थे और ड्रीम्स भी बना रहे थे कि नहीं मुझे करना है। चलो अगले दिन से खूब स्टडी करना शुरू कर दिया। अगले दिन से जो मेरा स्टडी करने वाला सीन आया ना, बहुत ज़्यादा स्टडी करता था, ठीक है। मतलब एक भी टाइम इधर लैप्स नहीं होता था, कंटिन्यूस स्टडी। निकले यहाँ से, खाना वाना खाए, क्लास शुरू हुआ, फिर क्लास ख़त्म, फिर खाना वाना खाए, तुरंत गए वहाँ पे, एक भी टाइम लैप्स नहीं। मतलब खूब पढ़ता था, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह खूब सॉल्व करते थे, MCQ। मतलब खुद को मुझे पूरा अब चेंज करना था कि नहीं मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा, अब मुझे चेंज होना है, ठीक है। तो मैं खूब पढ़ता था, ठीक है। मोमेंट जाते गए, टेस्ट वगैरह होता गया, बट कभी भी ना मेरा मेहनत नहीं दिखा टेस्ट में कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ तो मेरा मार्क्स क्यों नहीं आता है, ठीक है। मेरा मार्क्स कभी भी नहीं यार 487 नहीं आया था, आई थिंक 487 कभी भी नहीं आया, चलो कोई नहीं, बट जब भी आता था नॉर्मली 425 के आसपास आता था, ठीक है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा ये थे इस चीज़ को लेके, अटेंटिव थे कि इसका टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, ये वो हमेशा से पूछते थे कि टेस्ट में कितना मार्क्स आया, और मैं हमेशा 425 ही बोला करता था, ठीक है, क्योंकि इसी के आसपास मेरा मार्क्स आता था। एक दो टेस्ट में 480 आ गया था, ठीक है, मेरा मार्क्स हमेशा इसी के आसपास कांस्टेंट रहता था, ठीक है। एक दिन तो मार्क्स को लेके मैं झूठ भी बोल दिया था, पकड़े भी गए थे, क्योंकि मार्क्स पापा मेरे से भी पूछ लेते और भैया से भी पूछ लेते और पकड़े गए उससे, ठीक है। चलो कोई नहीं, उसके बाद पापा को मेरे पे विश्वास ही ख़त्म हो गया था कि ये पढ़ता है कि क्या करता है, ठीक है। लेकिन मैं सेल्फ मेहनत बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। क्लास टेस्ट हुए होते थे ना, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस होके दिया करता था, ठीक है। मतलब टेस्ट में ये होता था ना कि टेस्ट सेंटर पे जा रहे हैं तो जाते जाते ये भी सोचते थे कि आज कैसे भी करके अच्छा मार्क्स लाना है यार, आज नहीं, आज गलती भी नहीं करेंगे, आज निगेटिव नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ सोच के जाता था यार, बट कुछ होता ही नहीं था उसे, कुछ नहीं होता था। फिर वही हालात, टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहे, मतलब पोटेंशियल ही नहीं बढ़ रहा है, और मेरे दोस्त का मार्क्स बहुत अच्छा आता था, समझ में नहीं आता था क्या करें, ठीक है, बट रिजल्ट लाना था, ठीक है, रिजल्ट लाना था, मार्क्स नहीं आ रहा, क्या करें। मोमेंट सब क्रॉस होते गया, ठीक है, बहुत सारे मोमेंट ऐसे आए दोस्त लोग, मतलब डिप्रेशन वाला,
सब कुछ होता था ठीक है। फाइनली हम लोग का 11th का सिलेबस ख़त्म हो गया, अब बारी था 12th में जाने का। और 12th में जाने से पहले वहाँ पे एक रिशफलिंग टेस्ट होता था ठीक है, मतलब जो भी 11th के सिलेबस होते थे ना उसी से क्वेश्चन पूछ के और 12th में इंटर दिया जाता था। नया बैच बनने वाला था, मेरी तैयारी अभी भी अच्छे से नहीं थी, मतलब मैं अभी भी एवरेज ही था, मेरा दिमाग अभी तक मैच्योर नहीं कर पाया था नीट को लेके। उस बैच में जाने का कंडीशन ये था ना कि अगर 400 से एवं नंबर लाते ना तो उस बैच में जाते ठीक है। एग्ज़ाम हुआ, तैयारी ठीक ठाक था, टाइम मिला था तो तैयारी किए थे, क्वेश्चंस भी बन रहे थे एग्ज़ाम में बनाए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ ना कि जो टेस्ट था ना उसका आंसर की आउट हो गया, लास्ट के 15 मिनट पहले उसका आंसर की आउट हुआ था। जो भी बच्चे पेपर सबमिट नहीं किए थे वो आंसर की से छाप रहे थे, मेरा भी मन कर गया, मैंने भी छाप लिया, 10-12 क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट OMR शीट में भर दिए ठीक है। कुछ दिन के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मेरी जो रैंक थी वो 7th रैंक थी उस टेस्ट में। थोड़ा सा खुशी महसूस हो रहा था कि मैं उस बैच में सेलेक्ट हो गया, अपने दोस्तों से अलग नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था ना कि अगर मैं अपने दोस्तों से अलग हो जाऊंगा ना तो शायद मैं बहुत पीछे पड़ जाऊंगा ठीक है। मैं अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि इनके साथ में रहूँगा तो शायद मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो कैसे भी करके उस बैच में गया, बैच में ना पहला क्लास था ठीक है। क्या था मार्गदर्शन में ये था ना कि लड़कियों के लिए बस हुआ करता था, पहला क्लास था, बस में सब थे, बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे, कुछ जगह खाली रहता था तो लड़के भी चले जाते थे ठीक है। दूसरे सेंटर पे अब क्लास होता हम लोग का, तो हम भी उस बस में चले गए। बस के फ्रंट सीट पे एक लड़की दिखी थी ठीक है। लाइफ में पहली बार मतलब किसी लड़की से इंटरनली अट्रैक्शन हुआ था ठीक है, लाइफ में पहली बार किसी लड़की से इंटरनली अट्रैक्शन हुआ था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे ही बैच की है ठीक है। जब क्लास शुरू हुआ, क्लासेस में गए तो दिखा कि फ्रंट बेंच पे वो बैठी हुई थी ठीक। ये देख के थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि शायद वो मेरी ही बैच की है, वाह चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपने बैच में उतना अट्रैक्शन नहीं था, मतलब पहली बार था। क्लासेस होते गए, रेगुलर क्लासेस होते गए, क्लासेस में वो क्वेश्चन बहुत पूछती थी, मतलब मेरा ये था ना कि मेरे बैच में लड़की में बस वही थी जो क्वेश्चंस पूछती थी, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछती थी, बस एक ही वही थी। तो मैंने ना उसे बहुत नाम से पुकारने लगा था, एज लाइक चश्मीस, बग बग, सीनियर सिटीजन एंड मैनी मोर, तो प्यार से ही बोलता था ये सारा नाम हाँ, बट कभी उसे पता नहीं चलने दिया कि मैं उसे इस नाम से बोलता हूँ ठीक है। आज तक कभी उससे मैं बात नहीं कर पाया था, कभी उससे बात नहीं कर पाया था, और हिम्मत भी नहीं था कि उससे एक बार जाके बोल लूँ कि क्या दोस्त बनोगी, कुछ भी नहीं, कभी भी बात नहीं कर पाया उससे, क्योंकि मुझे कहीं कहीं ना कहीं इंटरनल लगता था ना कि शायद नहीं बात करेगी मेरे से ठीक है, अगर नहीं बात करती तो बहुत बुरा लगता, मे बी हम टेंशन में आ जाते, डिप्रेशन में आ जाते, इसी वजह से हम बात नहीं किए ठीक है, कभी उससे बात नहीं कर पाए। बट फॉलो बहुत करते थे, क्लासेस ख़त्म होती थी तो जब वो रोड पे जाती थी पीछे पीछे हम भी जाते थे, एक दोस्त था बबलू, हम और वो दोनों साथ साथ निकलते थे ठीक है, और उसके पीछे पीछे पूरा जाते थे। क्लासेस चलते गए ठीक है, 12th का क्लासेस भी अब ख़त्म होने पे आया था ठीक है। नीट 2018 हुआ, उसका भी रिजल्ट आया, लेकिन इस बार हम खुश नहीं थे क्योंकि मेरी बारी अब आने वाली थी
और मेरा प्रिपरेशन तक नहीं हुआ था अभी अभी अच्छे से। मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, ठीक है, पढ़ने को लेके इस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, बट फिर भी मेरा प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। ट्वेल्थ का भी सिलेबस ख़त्म होने वाला था, ट्वेल्थ आधा हो चुका था, वो भी ख़त्म होने वाला था, बट फिर भी अब मेरा पोटेंशियल अभी तक इंक्रीज नहीं किया था। खैर, मेरे दोस्त भी अब अपने बैच में ही थे, पढ़ते थे हम लोग अच्छे से, ठीक है, आपस में डिस्कशन करके सब कुछ करके पढ़ाई करते थे। भैया का जेई एडवांस हो गया, रिजल्ट नहीं आया था, वो पटना छोड़ के कोटा चला गया था प्रिपरेशन करने के लिए। अब मैं पटना में अकेला हो गया था, अब मैं खाना खुद से नहीं बनाता था। नीरज भैया का एक मेस था, उसको ज्वाइन किया था, मार्गदर्शन के मैक्सिमम स्टूडेंट वहीं पे खाते थे, खाना बहुत अच्छा खिलाते थे वो। क्लासेस चलते गए, सिलेबस ख़त्म होता गया, फाइनली ट्वेल्थ का सिलेबस भी ख़त्म हो गया, सही समय पर सिलेबस भी ख़त्म हो गया। अब बारी था हम लोग का, अब मेरे इम्तिहान की बारी आई थी, ठीक है, अब मेरा नीट होने वाला था। डर भी था और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी था कि नीट देंगे, निकल जाएगा तो डॉक्टर बनेंगे। पता है, मैं ना ये चीज़ को लेके हमेशा मोटिवेटेड रहता था कि नीट निकल जाएगा तो हम क्या क्या करेंगे, ठीक है, घर में सीना तान के बोलेंगे कि मैं अब डॉक्टर बन गया हूँ। जो नीरज भैया थे ना, जो मेस में खाना खिलाते थे, बहुत अच्छा खाना खिलाते थे, हाँ, रिजल्ट आ जाएगा ना तो उसके बाद उनको ज़रूर मिठाई खिलाऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और, जो जिस रूम में हम रहते थे उस रूम के जो ओनर थी, ओनर आंटी थी, उन्हें प्रणाम करके ज़रूर नीट देने जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम लोगों को अपनों जैसा माना था। किसी फेस्टिवल में अगर घर पे नहीं जाते थे ना तो वो खाना खिलाते थे, ठीक है, तो उन्हें प्रणाम करके जाऊंगा जरूर एग्ज़ाम देने। चलो, एग्ज़ाम का टाइम आ गया, 5 मई आने वाला था, ठीक है, सिलेबस ख़त्म हो गया, प्रिपरेशन में अब लग गए, टाइम बहुत कम था। मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया, बहुत ज़्यादा, खुद को इतना बदल लिया उस लास्ट टाइम में ना, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। इतना पढ़ता था लास्ट टाइम में, मैं 8 से लेके 10, सुबह 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक लाइब्रेरी ज्वाइन करता था, लाइब्रेरी जाके पढ़ता था, क्योंकि मुझे अभी खुद में भी पता था कि मैं अभी भी नीट नहीं निकाल पाऊँगा अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो, बट मुझे निकालना था नीट कैसे भी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी चलता था कि जब तक मैं नीट नहीं निकालूँगा तो वो जो लड़की थी मैं उससे भी बात नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे नीट निकालना था, इसके लिए मुझे बहुत पढ़ना था, अभी भी बहुत पढ़ना था, क्योंकि मैं बहुत एवरेज था, मैं वैसा टैलेंटेड नहीं था, मैं बहुत एवरेज था, खुद को चेंज करना था। लाइब्रेरी जाया करता था सुबह 8 से 10, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई दोस्ती से हमें मतलब नहीं था, कौन कहाँ पे है कोई मतलब नहीं, हाँ, लेकिन रात में जब खाना खाने को जाता था ना तो जो मेरे दोस्त लोग थे उनसे मैं क्वेश्चंस डिस्कशन करता था, कुछ वो पूछते थे कुछ हम पूछते थे, आपस में डिस्कशन करता था और वो टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करते थे। खैर, फाइनली नीट हुआ, 5 मई नीट का डेट, सेंटर पे गया, एग्ज़ाम हुआ, पेपर कुछ ऐसा था कि मेरे फेवर में था, मतलब क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे गए थे जिन्हें जो हम पहले से कर चुके हैं, मतलब पेपर मेरे फेवर में था। बोलते हैं ना कि अगर आप मेहनत करो ना तो भगवान भी साथ देते हैं। मैंने एनसीईआरटी वगैरह सारा पढ़ा था, ठीक है, और उस बार केमिस्ट्री में क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, मतलब क्वेश्चन पूरा मेरे फेवर में था।
एग्ज़ाम के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा। आई थिंक मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे और महसूस हो रहा था कि मैंने सही अटेम्प्ट किया है, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा रिज़ल्ट अब हो जाएगा। खैर, रूम पे आया, आंसर की मिलाया, अच्छे मार्क्स आए थे। खुशी महसूस हुआ कि शायद मेरा रिज़ल्ट अब हो जाएगा। फाइनली अब रिज़ल्ट का वेट था। रिज़ल्ट आया, रात के 8-9 बजे तक साइट बंद था और उसके आसपास में खुला। मार्क्स चेक किया, 594 था। रैंक 9252। रैंक तो थोड़ा अच्छा नहीं था बट मार्क्स सही था, कहीं ना कहीं खुशी भी था ये चीज़ का कि साला मैं तो एवरेज स्टूडेंट था ना, रिजल्ट तो हो गया ना, डॉक्टर तो बन जाऊंगा ना मैं। मेरे से किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि तुम्हें इस कॉलेज में जाना है, तुम्हें ये कॉलेज में जाना है, तुम्हें इतना रैंक लाना है, कोई प्रेशर भी नहीं था। ठीक है, तो अपने दम पे मैंने इतना लाया था। ठीक है, लास्ट के मंथ में बहुत मेहनत किया था, इतना लाया था और यू कांट इमेजिन कि मुझे कितनी खुशी मिली थी उस टाइम में। कोई एवरेज स्टूडेंट जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाल लेता है ना, तो वो खुशी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। घर में बताया कि मेरा रिजल्ट हो गया है, सबके सब खुश हो गए थे। उसी बार मेरे भैया का आईआईटी में भी सिलेक्शन हो गया था, मतलब घर में डबल खुशी। अब घर गए, पूरे घर में मिठाइयाँ। फाइनली मैंने नीट 2019 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था। वो बोलते हैं ना कि आप अगर मेहनत करो ना तो सफलता ज़रूर मिलती है, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप बिलो एवरेज हो, अगर आप मेहनत करोगे सफलता ज़रूर मिलेगी। टॉपर्स लोग जो होते हैं ना, कभी कभी उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। एक एवरेज स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट सिलेक्शन हो जाना मेरे लिए अनबिलीवेबल बात थी। ठीक है, सिलेक्शन हो गया, घर में खुशियां आ गई, कहीं ना कहीं पापा का सपना पूरा नहीं हो पाया था, फिर भी मैं डॉक्टर बनने लायक अब हो गया था। आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगा कि देखो, लाइफ में ना कभी हार मत मानना, लाइफ में कभी हार मत मानना, अपना हमेशा 100% देना, हमेशा अपना 100% देना। रिजल्ट का कभी चिंता मत करना कि रिजल्ट क्या आएगा, हाँ, लेकिन ये चीज़ को लेके फिक्स होना कि रिजल्ट तुम्हारा क्यों लाना है, क्यों तुम्हें नीट निकालना है। एक 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 सटीक रीजन होना चाहिए कि वाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, या फिर तुम्हें क्यों नीट क्रैक करना है, क्यों, एक रीजन होना चाहिए। जब भी डिमोटिवेशन फील होता था मैं उसी रीजन को सोचता था कि आखिर मुझे करना क्यों है। फाइनली मेरी ये स्टोरी यही थी, दिस वॉज माई जर्नी। होप आपको इंस्पिरेशन टाइप का लगा होगा ये स्टोरी। हाँ, मैं बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका था। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक एवरेज स्टूडेंट अगर नीट क्रैक कर लेता है, वो भी एक छोटे से इंस्टीट्यूट से, ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है और बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन है। खुद की मेहनत, सर लोगों की मेहनत, दोस्तों की मेहनत आज रंग ला देती और आज मैं डॉक्टर बन गया था।